तो ये देखो प्यारे बच्चों, इसमें क्या कहा जा रहा है कि हम लोग के पास तीन फोर्स है और वो तीनों एक ट्रायंगल के वर्टेक्स के अलोंग लग रहे हैं, पर थ्री फोर्स ए बी बी सी और टू टाइम्स सी ए, तो एक्टिंग अलोंग द वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल, तो रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन किधर होगा। तो चलो सबसे पहले एक ट्रायंगल बना लेते हैं, और ये अगर हम लोग के पास एक ट्रायंगल है तो एक अगर ये ए है और ये बी है तो एक फोर्स ऐसे लग रहा है एफ, ठीक ना, चलो, और जो एफ वन ऐसे लग रहा है, तो अगर जो बी और सी के अलॉन्ग लग रहा है वो एफ टू ऐसे लग रहा है, ठीक ना, तो बी और सी के अलॉन्ग एफ टू ऐसे लग रहा है और एफ वन ऐसे लग रहा है, ठीक है, और अगर सी है तो सी ए के अलॉन्ग इधर टू टाइम्स सी ए, मतलब इस साइड का डबल, तो इस साइड का डबल मतलब दो गुना ऐसे कुछ, दैट इज टू टाइम्स सी ए लग रहा है, ठीक है ना, ये टू टाइम्स फोर्स है, मतलब इसकी मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, समझ रहे, जो इधर लग रहा है एलॉन्ग द साइड ऑफ ए ट्रैंगल ए बी सी, ठीक है ना, मतलब ए बी सी के एलॉन्ग मतलब ट्रैंगल है तो उसके एलॉन्ग लग रहे हैं, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन रिप्रेजेंटेड। भाई देखो, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन अगर तुम देखोगे तो ये जो फोर्स है, अगर ये इस ट्रायंगल के साइड के बराबर होता, यहाँ ट्रायंगल के साइड के बराबर होता तो रिजल्टेंट जीरो आ जाता, लेकिन ट्रायंगल के साइड से इस साइड से डबल है यार, तो अगर इस साइड से डबल है तो तुम अगर इमेजिनरी देखोगे, यहाँ से इन दोनों का रिजल्टेंट अगर देखोगे एफ वन और एफ टू, तो इन दोनों का रिजल्टेंट अगर ऐसे एक इस ए बी के अपोजिट एक साइड बना दोगे तो ये एक ट्रायंगल रूल बन जाएगा, यहाँ से ट्रायंगल लॉ, और ये ट्रायंगल लॉ ये जो एफ वन प्लस एफ टू का रिजल्टेंट रिप्रेजेंट करेगा, और जिसकी लेंथ इस अगर एक्स लेंथ है तो एक्स लेंथ के बराबर होगा, लेकिन इसकी लेंथ तो इसके लेंथ से टू टाइम्स है, ठीक है ना, समझ रहे हो, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये टू एक्स है तो इधर अपोजिट एक्स है, समझ रहे हो ना, तो ये वाली चीज़ यहाँ से, तो मतलब अगर तुम देखोगे तो जो नेट रिजल्टेंट बचा, क्योंकि अरे भाई इसका वॉट इवर जो भी लेंथ होगा वी डोंट नो, एफ वन प्लस एफ टू का सम एक्स होगा, ठीक है, तो जो नेट बचेगा वो नेट तो इधर की डायरेक्शन में आएगा, जो जिसकी वैल्यू एक्स होगी, एक्स न्यूटन अगर फोर्स होगी तो मान लो, तो नेट रिजल्टेंट जो है वो सी ए की डायरेक्शन में आएगा, सी ए की डायरेक्शन में आएगा, और उसकी वैल्यू एक्स के बराबर होगी, मतलब सी ए के बराबर होगी, दैट इज सी ए ऑप्शन सही है, थैंक यू।